On the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you? गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो गई है और अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होता है और सतीश अभी उठा रही है क्योंकि वो रात भर मतलब 2-3 बजे तक वो एडिटिंग कर रहा था व्लॉग की, तो वो अभी सो रहा है। तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि वो अभी उठना चाहता है या नहीं, क्योंकि अभी दूध छोड़ने जाना है ना, तो मैं उसको पूछती हूँ वरना फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। और बाकी दिन स्टार्ट हो गया है, हमने चाय वाय पी ली है, अब मैं एक बार उसको पूछ लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ। सतीश बेबी, बेबी आप उठना है अभी कि नहीं? तभी भी दूध छोड़ने मैं लेट सोया हूँ तो चल मैं चली जाऊँ। चलो ठीक है, गुड नाइट, आई एम रेडी टू गो। I find myself again, stepping at the end, start falling through the sea. Namaste, auntie ji. Come here, come here. ठीक है, ठीक है। अच्छा, महीना खत्म हो गया। ठीक है, thank you. गाइस पैसा ही पैसा, आज सब पैसे दे रहे हैं तो मैंने कहा शूट कर लेती हूं। मंथ एंड हो गया, आपने हमारे व्लॉग नहीं देखे ना? तो गाइस मैंने नए सब्सक्राइबर जोड़ दिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं भैया को बहुत बोलती रहती हूँ कि हम व्लॉगिंग करते हैं और भैया हमेशा पूछते हैं कि क्या नाम है, मैं बताती हूँ बट ये भूल जाते हैं। तो आज फिर मैं शूट करी थी, मैंने कहा चलो मैं इनको प्रॉपरली दिखा ही लेती हूँ कि क्या किस तरह की व्लॉगिंग मैंने करते हैं। तो बाकी आज मंथ एंड है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई, पैसे ही पैसे मिल रहे हैं। मंथ एंड नहीं है मतलब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स गो टू होम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो काफ़ी देर रात सोने के बाद मैं उठा हूँ और मैं सीधा आया हूँ अपनी गाड़ी में। आप सोच रहे होंगे मैं कहीं जा रहा हूँ बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली घर में ना लाइट नहीं है तो मैं अपने गाड़ी में आया हूँ फ़ोन चार्ज करने, क्योंकि ब्लॉग शूट करना है तो उसके लिए बैटरी तो ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लूँ, क्या पता लाइट आए या ना आए। तो मैं यहाँ पर अपनी बैटरी चार्ज करके निकलता हूँ घर और फिर आगे देखते रहिए हमारे इस ब्लॉग में आपको क्या क्या मिलेगा। तो गाइज अब असली काम जो स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि लहसुन का सीज़न मतलब ऑलमोस्ट लहसुन मैच्योर हो चुका है और उसको निकालने का टाइम आ चुका है। तो उसके लिए हमें टेंट बनाने पड़ते हैं जिसमें हम उसको सुखाने के लिए रख सके, तो बस उसी का काम अब चल रहा है। मैं भी जाके सतीश की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है लहसुन के लिए? ये वीडियो देखे ना तुझे नार्कोटिक्स वाले आएंगे पकड़ने के लिए, क्योंकि तूने यहाँ सारी भांग बीज के रखी है। I can hear you call my name, I can hear you call my name, I can hear you call my name, come to the table, cup runneth over, come drink your fill. सुखा दिया है और ये सारे काम करते हो ना, मुझे एक गाना याद आता है। कौन सा?
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ का क्या हो किसने। तू ना मेरे लिरिक्स की वार्ड लगा देता है हमेशा, इसको लिरिक्स ही नहीं याद होते क्या से क्या बोल रहा है। कुछ भी याद नहीं, तू बदोबदी गा। बदोबदी बदोबदी आए हाय। तो गाइस हमने घास को सुखा लिया है, और घास सुखा लिया घूस तो पता नहीं बाकी। इसके बाद हमने टेंट लगाना है लहसुन के लिए, आपको पता ही है छोएल गांव में लहसुन ही लहसुन भेजा हुआ लोगों ने, तो हमने भी भेजा हुआ है। तो इसके लिए हम पहले प्रिपेयर करके रख रहे हैं टेंट, क्योंकि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम पहले प्रिपेयर करके रख रहे हैं। जैसे मौका मिलेगा हम लहसुन टेंट में शिफ्ट कर देंगे, और मंजू मेरी पूरी हेल्प करेगी। चलो तो गाइज हमने यहाँ पर डंडे डंडे खड़ा दिए हैं, अब इनको हमने ऐसे में सपोर्टें लगानी है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। बस उसके बाद त्रिपाल डालने का काम है, त्रिपाल भी डालेंगे जब लहसुन डालेंगे। मुझे कुछ नहीं पता क्या करना, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अरे मुझे, अरे राजू क्या करना है, अरे बाबा। अरे कोई मुझे तो बताओ करना क्या है। कोई नहीं, अभी बताते हम आपको। चलो बारिश बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिखाती हुई। क्या बोलना है, बारिश है ना, काम खराब। और हमने वो कंप्लीट ही कर दिया ऑलमोस्ट, बाकी पूरी तरह से फिट लास्ट में करेंगे जब लहसुन काटेंगे। इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब नींद भी आ रही है, समझ नहीं कर रहा है कि बाहर निकले। और हमारे लड्डू का पाल जी सो गए हैं, उनको सुला देते हैं। बारिश के मौसम में इनको ऐसी नींद आ रही है ना, और इनको देख के मुझे भी नींद आ रही है। मैं 3 बजे सोया हूँ रात को, 11 बजे मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी रात को। इतनी मेहनत करनी पड़ती है सचेश को, अब आज पता नहीं कैसे करूँगा एडिट, बट चलो तो भी चलते हैं। और मैं गाय को घास दे जाती हूँ पहले, उसके बाद देखते क्या करना है। बारिश ही नहीं रुक रही यार, पता नहीं क्या हो गया, मतलब गर्मी आ रही है कि सर्दी आ रही है वापस, समझ नहीं आ रही। इस बार महीने उल्टे तो नहीं चल रहे हैं। कौन है मी गुट्टू? बेबी आप क्या कर रहे हो? हेलो गाइस वेलकम, हेलो गाइस वेलकम। क्या कर रहे हो? ब्लॉग एडिट कर रहा हूं। चलो अभी हमने जाना है, दीदी को भी छोड़ना है ना, और दीदी आई नो पर इनको छोड़ना है, और हमने घी लाना है, वो घी छोड़ के गई नीचे। बेबी प्लीज ना देखना, चल मैं बारिश में नहीं जा सकती हूँ अकेले। बेबी चल रात को सोई तो भी एडिट कर ली, चल। बड़ा इजी है बताना। चल चल दीदी को अखरोट चाहिए, मैं अखरोट भी लेके जा रही हूँ, तो हम चल उठो आ जाओ। आ जा बेबी, ले पहुंच गया तो रास्ते में दीदी को ये पकड़ा दियो। चल चल ठीक है। ये बारिश भी ना रुकने का नाम नहीं ले रही है, बस ये है कि सुबह सुबह थोड़ी धूप आ रही है तो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज तो पूरा पैक है ये मंथ। चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो ये मिली है हमारी बहन से,
इनको अपनी शक्ल से ही दिक्कत है। ये हमारी सबसे बड़ी दीदी है। चलो चलो इनको अब छोड़ के देना उधर, मेरी यही ड्यूटी है, कोई भी आती है बहन तो मुझे इनको छोड़ के देना पड़ता है। लेके आना है छोड़ के। मतलब हर बार नहीं, बट इनके से देखो अभी बारिश हो रही। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी ड्रीम कार है। गाड़ी रोको, इसको बोलो मैं यहाँ हूँ। कैसा ड्राइवर रखा है तूने? वही तो, कैसे ड्राइवर, इसको पता नहीं मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। चलो कोई नहीं, इसके पेमेंट काटेंगे। हाँ यही करना पड़ेगा, मेरी गाड़ी लेके मत चकराया। ये जिमनी क्या, ये जिमनी भी कम नहीं है मेरी, अल्टो 800 जिमनी। एक बार में स्टार्ट नहीं कर सकते तुम मेरे गाड़ी में बैठने लायक नहीं हो। ऐसा एक बार स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरी बार फिर आगे। चलो ठीक है, आना बोलना, खुल सी चल बाय। चलो आना, ठीक है आराम से। तो ठीक है बाय, चाय नहीं पीनी हमने, कभी और आएंगे। ओके बाय। तुमने दीदी को छोड़ दिया है और घी लेने जा रहे हैं। यस। कितने लीटर घी मंगाया तुमने? ओनली वन। क्या बोल रहे लीटर? कितने किलो? लीटर में मिलता घी? किलो नहीं, किलोज बोला तूने शायद। लीटर में मिलता घी यार। तो हमने ये घी ले लिया है और बेचारी ने बाल्टू दिया है, वापस देना पड़ेगा ये। और मेरे चलो कपड़े, कपड़े कहाँ जाए इसमें? कपड़े आ जाते हैं 10 मिनट करने ना, अभी हमने हार्ड डिस्क के लिए बोला ना 10 मिनट। नहीं कोई 10 मिनट नहीं हो गए। लो हो गए 10 मिनट अभी नहीं हुए, अभी 10 मिनट, 10 मिनट अभी, 5 मिनट हुए हैं। 5 मिनट में हम चाट पापड़ी खा लेंगे तो 10 मिनट हो जाएंगे ना फिर पूरे। अरे वहाँ पहुँचते उतरते उतरते गाड़ी लगाते लगाते हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी कौन सा, 10 मिनट में ही आ जाएंगे। इंडिया ही टाइम के पक्षी हो, फ्रांस थोड़ी है। चाट पापड़ी खाते हुए थोड़ा राइट, थोड़ा राइट। हाँ भी अब सीधे आगे आगे जाते हुए भी, यहाँ बिल्कुल इसके सामने मत लगाओ। तू तो उतर ही मत, तेरे को तो ने पालने के लिए लाया हुआ इधर, घर से लेकर बैठी है यहाँ पे, बस एक घी घी डाल दिए जेब में, बस हो गया। ऐसे चिल्लाता है, ये ऐसे चिल्लाता है, ये इसकी असलियत है। अभी तेरी मेरी बात नहीं हुई। अरे मान, अभी तेरी मेरी बात नहीं हुई। बात के क्या मतलब, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी को बंद करके मेरे को बाहर उतरना पड़ता है चीजों के लिए। मुझे भी बोलने दे, तू ही बोलती है हर वक्त। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। देख जब भी मैं, तो तेरी मेरी बात हुई कि जिसकी साइड जो चीज होगी वो ही लेने जाएगा। तो मैं गाड़ी मोड़ के लगा रहा था दूसरी साइड, दुकान वाली साइड, तेरी साइड। ऐसा तो नहीं होता है, मैंने करना था। रियलिटी में जिस साइड जो चीज आ रही है वो जा रही है। मैं खुद खा लूं। शांति रखो, मैंने शांति फैलाई है। ओए कीड़े बनवा, ये हमेशा ऐसा करता है। कुत्ते, मैंने बोल दिया था ना, मेरे को एक और चाहिए, मैंने बोल दिया मेरे को एक और चाहिए। सजेस्ट क्या? दो खा गए कमीना। टाइम है, टाइम है, पर मम्मी पापा के लिए हम भी खा, हमने खाने तो मम्मी पापा भी खाएंगे। आज मुंह करके खाओ ना, पीछे को क्यों कर रहे इसको?
बस एक दो खाना था। तो गाइस हमें दे दीजिए अब इजाजत, क्योंकि दैट्स ऑल अबाउट आवर डे। अब इससे ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं हमारी आपको कुछ कंटेंट दिखाने, और बारिश थी ना इसलिए हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। तो किसी दिन सनी सीजन हो, वैसे अब बहुत ज्यादा काम है। ये तो दिन में सो ही रही, मैं एडिटिंग कर रहा था। दिखाया मैंने इनको, देखा करके सर कब अरे मैं सोई थी, पर कितने देर सोई बता बता। एक घंटा। हाँ तो सोई रही तू, मैं तो रात को 3 बजे सो रहा हूँ, फिर भी 9 बजे 8 बजे उठा, फिर भी मैं दिन में ले ले भाई सारे सिंपति ले ले तू ही। अच्छा चलो ठीक है, नहीं इसने मेरी बहुत केयर की है, उसने दूध भी छोड़ा, मुझे नहीं उठाया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं। आप बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।